गुनगुना रहे हैं, भंवर खिल रही है कली कली कली। राजेश खन्ना ने सुपरस्टार के तौर पर बॉलीवुड में वर्षों तक राज किया, लेकिन उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना कुछ फिल्मों में काम करने के बावजूद बॉलीवुड में कोई मुकाम नहीं बना सकी। ट्विंकल खन्ना की शादी अक्षय कुमार से हुई, जो एक समय खिलाड़ी कुमार के नाम से जाने जाते थे। अक्षय कुमार फिल्मों में एक्टिंग के खिलाड़ी होने के साथ साथ इश्क के मैदान में भी खिलाड़ी रह चुके हैं। अक्षय कुमार उन बॉलीवुड एक्टर्स में से हैं जो एक समय पर तीन तीन लड़कियों के साथ डेट करते थे। शादी से पहले कई एक्ट्रेसेस के साथ उनका नाम जुड़ चुका है। इस लिस्ट में रवीना टंडन से लेकर शिल्पा शेट्टी तक का नाम शामिल है। एक वक्त था जब शादी के बाद बॉलीवुड में अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के अफेयर के खूब चर्चे थे, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना को जब इस बात का पता चला तो वह प्रियंका चोपड़ा को पीटने सेट पर पहुंच गई थी। क्या था पूरा मामला, इस वीडियो में मैं आपको अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा और ट्विंकल खन्ना से जुड़े इसी किस्से के बारे में बताऊंगी। आप बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, साल 2005 में आई फिल्म बरसात में प्रियंका चोपड़ा और बॉबी देओल की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। बरसात के दिन आए, बरसात के। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में पहले प्रियंका के साथ अक्षय कुमार नजर आने वाले थे। दरअसल फिल्म बरसात पहले अक्षय कुमार को ऑफर हुई थी। अक्षय ने को एक्ट्रेस प्रियंका के साथ एक गाने को भी शूट कर लिया था, लेकिन इसी दौरान फिल्म गलियारों में अक्षय कुमार और प्रियंका के अफेयर की चर्चा होने लगी। पूरी इंडस्ट्री को इनके अफेयर की खबर हो गई थी। यही खबर जब उड़ते उड़ते अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल खन्ना के पास पहुंची तो उनके बीच खूब झगड़ा हुआ था। तेरी बदमाशियां और मेरी कमजोरियां एक दिन पकड़ी जाए। ट्विंकल ने पहले अक्षय कुमार को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों के बीच नजदीकियों की लगातार खबरों से परेशान होकर ट्विंकल ने सीधे प्रियंका चोपड़ा को कॉल कर दिया। इसी बीच दोनों में फोन पर जमकर बहस और झगड़ा हुआ। बात यहां तक पहुंच गई कि ट्विंकल खन्ना प्रियंका को पीटने के लिए फिल्म के सेट पर पहुंच गईं। गनीमत रही कि सेट पर ट्विंकल को प्रियंका नहीं मिली तो वो अपने पति अक्षय पर ही गुस्सा होने लगी। सबके सामने दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ। इसके बाद किसी तरह अक्षय ने ट्विंकल को समझाया और उन्हें घर लेकर गए। इसके बाद ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार को कसम दिलवाई कि वे आज के बाद कभी भी प्रियंका चोपड़ा के साथ काम नहीं करेंगे। कहते हैं कि अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए अक्षय कुमार ने ऐसा ही किया। अक्षय ने सबके सामने आकर कभी प्रियंका के साथ काम न करने का ऐलान किया। इसका नतीजा ये निकला कि 2005 में आई फिल्म वक्त रेस अगेंस्ट टाइम के बाद अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा किसी फिल्म में नजर नहीं आए। हालांकि इससे पहले वे अंदाज, मुझसे शादी करोगी, ऐतराज और वक्त फिल्म में साथ काम कर चुके थे। अब सालों बाद बरसात फिल्म के निर्देशक सुनील दर्शन ने खुद इस बात का खुलासा किया है। सुनील ने कहा कि पहले अक्षय ही बरसात फिल्म के हीरो थे, लेकिन इसी बीच प्रियंका चोपड़ा और अक्षय के अफेयर की अफवाहें तेजी से फैलने लगी थी। प्रियंका के साथ अक्षय की अफेयर की बात सुनकर ट्विंकल पति का घर छोड़कर चली गई थी। अगर किसी एक्टर की पत्नी भी एक्ट्रेस रह चुकी है तो उसे इंडस्ट्री के बारे में सब पता होता है। ट्विंकल को सब पता था, वो कई बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुकी थी। सुनील ने बताया कि तभी उन्हें बॉबी देओल के मैनेजर की कॉल आई और इसी तरह से फिल्म बरसात में अक्षय की जगह बॉबी देओल को ले लिया गया। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।